खबर विस्तार से। फगवाड़ा के सिविल अस्पताल में आज डॉक्टर इंद्रदीप पीओएम द्वारा अचानक चेकिंग की गई, जिसमें उन्होंने सिविल अस्पताल की नई बनी बिल्डिंग में पूरी बारीकी से जांच पड़ताल की तथा कुछ अन्य जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके बाद मैडम द्वारा चल रहे सिविल अस्पताल का दौरा किया तथा वहाँ लोगों से अस्पताल स्टाफ की कारगुजारी के बारे में पूछा तथा सरकार द्वारा जा रही सभी सुविधाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया। उसके बाद हमारे संवाददाता से बातचीत में उन्होंने बताया कि सिविल अस्पताल की नई बिल्डिंग बहुत जल्द तैयार हो जाएगी। इस नए अस्पताल में लोगों को सभी जरूरी सुविधाएं भी दी जाएंगी। इस अवसर पर उन्होंने एसएमओ श्री कमल किशोर की कार्यशाली की प्रशंसा की तथा डॉक्टरों और अन्य स्टाफ के कार्य पर संतुष्टि जाहिर की। पंजाब के जगवाड़ा से हमारे संवाददाता रमन बहल, स्टेट हैंड की खास रिपोर्ट। हूँ थोड़ी पुलिस को रिपोर्ट लिखाई जी तुसी? नहीं, कल तो दाखिल हो तुसी? कल तो। ते हजे तक बयान लैन कोई नहीं आया जी? आए थे कल आए थे जी? अच्छा जी, मतलब हाले कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई थोड़ी? ठीक है सर, धन्यवाद। कौन सा एरिया बेटा? ये क्या बनेगा? अज इंस्पैक्शन की गई मैडम वालों फगवाड़ा की नवी बिल्डिंग सिविल हॉस्पिटल की। किन्ने समय के बिल्डिंग कंप्लीट लोगों के हाथ में दे देंगे? अज सिविल हॉस्पिटल फगवाड़ा विखे 14 मई 2022 नूं डॉक्टर इंद्रदीप प्रोग्राम ऑफिसर MCH चंडीगढ़ तो आए ने, ते इन्हां सारा इंस्पैक्ट किया भी जल्दी तो जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो विदिन 1-2 मंथ ये कंप्लीट होने दे लगदा, स्पीड अप करता। जिहड़ियां थोड़ियां डायरेक्शन उन्होंने इंजीनियर विंग नूं देतियां, तो विदिन 2 मंथ ये लोगों को समर्पित बिल्डिंग हो जाएगी। कोई किसी तरह की कोताही जां कोई कमी पेशी मिली होगी? नहीं, इस तरह की कोई गल नहीं। थोड़ा फास्ट आप ही करना, थोड़ी प्लैनिंग असी उन्होंने आपस इंटरैक्शन थोड़ी बढ़ावे, जिदा जल्दी ये चीज़ा पूरी कंप्लीट होगी। सब कुछ मेन बेसिक प्रॉब्लम जो पिछले जो तो आ रही हैं, एक बार ये भी आपको ध्यान से लिया कि जितने अपना मेडिकल स्टोर है, जितों मेडिकल दिखाई जाए ने, उत्थे बंदा एक ही है जी, उत्थे घट्टो घट्ट स्टाफ बढ़ाया जाना चाहिए जी। वो असी डिमांड जी असी भेजी सारे स्टाफ की पोजिशन गवर्नमेंट को भेजती हाँ, जल्दी ही होर स्टाफ भेज रहे हैं। फार्मासिस्ट, डॉक्टर, नर्सिस, जो कमियां सी उन्होंने पोस्टिंग पोजिशन भेजती है, तो जल्दी वो स्टाफ गवर्नमेंट भेज रहे हैं। एक सिक्योरिटी का सर थोड़ा जहा प्रॉब्लम है कि जी अंदर चौंकी बनी हुई है, उन्होंने जो लास्ट टाइम 2 बाइक चोरी हुई थी तो भी पिछले SMO सर्टिफिकेट के उन्होंने सवाल पूछा से, तो उन्हों का कहना यह कि साड़ी जिम्मेवारी नहीं है, पुलिस चौंकी वाले का कहा चौंकी नहीं है, असं जस्ट इनफॉर्म करना हूँ वा असी कोई कार्रवाई नहीं करनी, कार्रवाई करनी SMO के हाथ नहीं। उन्होंने कहता द्वारा DSP साहब न कह के, तो यही देखे नाल PCR टीम होंगी है, वो आके इमीजिएट कॉल करनी होंगी, मोबाइल टीम इन्हों की अवेलेबल, तो इन्होंने सारा हॉस्पिटल पुलिसिंग जिदा जगह जगह चैक करना, तो लोगों ने कॉन्फिडेंस बढ़ाना इन्हों का फर्ज है पुलिस का। हाँ जी भाजी, की नाम है जी अपना? केड़ा पिंड अपना? तुसी आज सिविल अस्पताल एडमिट हुए हो, की वजह की है जी? यार मेरा ना पहले रजिस्ट्रेशन कर दी थी पेंड का 5000 मतलब हमारा डेबू उन्हें उसके खिलाफ मैं रिपोर्ट दी थी कि तंग पीने परेशान बहुत करता थी पहला, यानी कि कई पेंड के पाचे दे चुका है जी, तो उन्हें मेरे भी दिता सी, तो मैं उस दिन है भी नहीं, मैं तो कम किया, उस तो बाद मैं रिपोर्ट की सी SSP साहब के, IGA साहब के, एक दराया थाने, तो मैंने फोन आया सी SS साहब का, कहते 2 बजे आ जाओ तो हल करा देवे, तो मैं जो पिंडों जाता इतों अपने
ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਜੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ ਭਾਅ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਫਗਵਾੜੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਭਾਅ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਹ ਖਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਭੁੱਲਾ ਰਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਆ ਮੇਨ ਰੋਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਭਾਅ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਵਾਈਟ ਰੰਗ ਦੀ ਜੀ ਮੂਰਤੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਭਾਅ ਜੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮਾਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਭਾਅ ਜੀ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਟੋਟਲ ਪੰਜ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਟੋਟਲ ਪੰਜ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੇਪੂ ਪੰਚ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪੰਚ ਨੇ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਭਾਅ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 108 ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਹੋ ਹਾਂਜੀ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਭਾਅ ਜੀ ਸੀਗੇ ਰਾਹਗੀਰੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮਾਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਸੱਟ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਗੈਰਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁੱਝੀਆਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ